हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत सी जगहों पर, बहुत से न्यूज चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है कोरोना वायरस से आप किस तरीके से बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। फर्स्ट क्या है, आपके जो लक्षण है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है, खांसी है और आपको बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं, तो उनका आपको खासकर ध्यान रखना है, उनको बाहर जाने नहीं देना है। कोशिश करें ज़रूरत पड़े तो भी वो बाहर जाएँ। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको नहीं जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है। इसके लक्षण भी आपको धीरे धीरे 4-5 दिन बाद पता चलते हैं, जब आप इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी शुरू हो जाती है, आपके फेफड़ों तक ये प्रॉब्लम 50-60% तक पहुँच जाती है, तब जाके इस वायरस के बारे में हमें पता चलता है कि हाँ, ये बंदा मरीज है इस वायरस का। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर खांसी है, जुखाम है, तो आपको ऐसे नहीं छींकना है, ऐसे नहीं खांसना है। आप कोशिश करेंगे इस तरीके से आपको खांसी करनी है या आपको छींकना है। अगर आप जो टिश्यू यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके हाथ में टिश्यू है, याद रखें हैंकी यूज़ आपको अवॉइड करना है। हैंकी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप बार बार उसी को हाथ में लगाएंगे, नाक पे लगाएंगे, फिर उसको हटाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करना है कि आप टिश्यू पेपर यूज़ करें और उसके बाद उसको थ्रो कर दें, और थ्रो करने के बाद भी उसको ऐसे डस्टबिन में डालें कि उसका ढक्कन बंद रहे। दूसरा, जब भी आपको छींक आती है, खांसी आती है, नॉर्मल आप बाहर जाते हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना है। आपको कहीं भी साबुन, अगर लगता है कि आप कहीं किसी प्लेस में हैं, वहाँ आपको साबुन अवेलेबल है या नहीं भी है, तो आपको तुरंत पानी, बहते हुए पानी के नल के नीचे आपको अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है। हाथों को इस तरीके से ऐसे आपको पूरा यहाँ यहाँ तक पूरा धोना है। कोशिश करें कि जितना हो सके अपने आप को इस चीज़ से बचाने की, क्योंकि बचाव से ही हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। इसका अभी कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती हैं कि हाँ, हम ये इलाज निकाल दिया, वो इलाज निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे इसका इलाज निकलेगा, लेकिन घबराने की, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम बचाव कर सकते हैं, हम खुद से अपना बचाव अगर हम हर बीमारी से कर सकते हैं, तो इससे भी हम लोग लड़ सकते हैं। कोशिश करें, बचाव करें। जो हमारे बाल होते हैं, मानव के जो बाल होते हैं, उससे 900 गुना छोटा है, तो भी आप देखिए इसका जो संक्रमण है बहुत ही तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। लेकिन हम इससे सिर्फ बचाव कर सकते हैं, जो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हाथ धोते रहना है, अपने बच्चों को बोलना है कि वो अपनी आंखों में, अपने नोज पर, अपने लिप्स पर हाथ ना लगाएं, आप खुद भी इस चीज़ से बचें। आपको मास्क ज़रूरी यूज़ करना है अगर आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसे प्लेस में जा रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो आपको वहाँ पे मास्क ज़रूर यूज़ करना है। बीमार लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम जैसे ठीक ठाक लोगों के लिए मास्क इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम इसमें बात करें, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप हाथ ना मिलाएं, सीधा स्वभाव नमस्कार करें, नमस्ते करें, क्योंकि अब इस टाइम हाथ मिलाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से व्यक्ति को कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ें, नमस्कार करें, और उसके बाद हमको किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको 3 फीट की दूरी कम से कम बना कर रखनी है। अगर आप किसी बहुत देखो, और अवॉइड करना है आपको पार्टी में जाना या किसी ऐसे प्लेस पे जाना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहीं जहाँ बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अभी आप कोशिश करें कि आप दिल्ली से बाहर या इंडिया से बाहर ना जाएं, जिससे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़े। आपको इन चीज़ों का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने फेस को पूरा यहाँ से लेकर पूरा कवर करना है। अगर आप मास्क यूज़ करते हैं, आपको इतना नहीं, आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मास्क यूज़ करना है कि आपके इस तरफ से भी
कोई भी कीटाणु आपके नाक में, आंख में, मुंह में ना जाए। आपको पूरा आईज को अच्छे से कवर करके रखना है। इतनी आईज को आप कोशिश करें कि आप दिन में अगर निकल रहे हैं तो उसमें आप चश्मा लगा लें। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उससे दूरी बना कर रखें। आपको ये भी याद रखना है, आपको कहीं भी ऐसे ही थूकना नहीं है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि संक्रमण फैले। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं तो भी आप थोड़ा डिटॉल यूज़ करें। हाथ धो रहे हैं घर में तो आप डिटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, अपने स्प्रे भी रख सकते हैं अपने पास। सैनिटाइज़र आपको रखना ही है, बच्चों को आपको देना है, वो बहुत ज़रूरी है। और लेकिन अभी आज मैंने भी जैसे देखा, मैंने बहुत सारे केमिस्ट के पास पता किया, किसी के पास सैनिटाइज़र नहीं था। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी, जहाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पर भी, तो आपको कोशिश करना है अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आपको पानी से हाथ तो ज़रूर ही धोना है। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, डरने से कुछ नहीं होता, घबराने से कुछ नहीं होता, बस चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम खुद कर सकते हैं, और बच्चों के लिए भी ये चीज़ों का ध्यान रखना आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद लोगों की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। वैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लेकिन आप वीडियो, मेरा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ कि हाँ थोड़ी उन लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ उन लोगों से विनती है आप वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों की हेल्प हो सके। इस टाइम हम लोगों को मिलकर इस चीज़ से लड़ना है। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ ही जुड़े रहें कल्पना ऑनलाइन वन के साथ।